Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course painting book 1 का lesson number 3 history and appreciation of art from 13th century AD to 18th century AD पढ़ने वाले हैं और ये module 1 है. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट लेसन 1-2 भी मॉड्यूल 1 ही था. तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3 हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 13th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी. कला का इतिहास और उसकी प्रशंसा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, देयर वर हार्डली एनी पैट्रॉन्स टू सपोर्ट अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग 12th सेंचुरी एडी, एक्सेप्ट few constructions of temples in Rajasthan, Bengal and Orissa. It was mainly restricted to building forts and maqbaras by the Muslim rulers who did not patronize cultural art. But this period embraced Indian art with treasure of illustrated manuscripts. The manuscripts of this period belong to different religious sects like Hindus, Jains and Buddhists. The main centers of this illustrated manuscripts panthis were in Bengal, Gujarat and Bihar. The manuscripts were made in Bengal and Bihar under the patronage of Pala dynasty and it shows a distinct style called Pala style. On the other hand, Jain religious manuscripts were written and illustrated in Gujarat. These panthis or manuscripts are done on palm leaf. These scripts are written in beautiful calligraphic art, leaving some space for illustration. Temple architecture was also developed in some parts of India in this period. Among these, the marble temple complex of Dalwara at Mount Abu and terracotta temples of Bengal and Orissa are very beautiful. Rajput paintings and Mughal paintings flourished from the 16th century AD to 19th century AD. The Rajput paintings were a combination of fog paintings and Ajanta paintings, while Mughal paintings were a combination of Persian and Rajput painting. After the 18th century, Indian art started to decline. तब जो पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज था उसका पतन हो रहा था भारत के बहुत सारे हिस्सों से, और वहां पे भी कोई ऐसा था जो कि आर्ट या आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा था 12th सेंचुरी के दौरान में. जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स है राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा में जहां पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था 12th सेंचुरी के आसपास, और इसमें मेनली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था जितने भी फोर्ट्स, किले हो गए या फिर जो मकबरा थे मुस्लिम्स के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, उन्होंने वर्जित कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी आर्ट या आर्किटेक्चर को बनाया जाएगा इस मंदिर या फिर मस्जिद में. लेकिन इस काल में जो आर्ट है इंडियन का, और जो उस टाइम क्या माना जाता था, एक खजाना के रूप में इसको माना जाता था. इसका खजाना जो मेनली था इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का, वो एक मैन्युस्क्रिप्ट था. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखा जाता है, पांडुलिपि भी जिसको बोला जाता है. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था वो अलग अलग रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करता था, जैसे कि हिंदू का अलग हो गया, जैन या बुद्धिस्ट है उनका भी अपना था मैन्युस्क्रिप्ट्स. और जो मेन सेंटर है इस मैन्युस्क्रिप्ट्स का वो कहाँ पे है, बंगाल, गुजरात और बिहार में. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो बंगाल और बिहार के पाला डायनेस्टी के पैट्रोनेज में बनाया गया, और इसका एक अलग स्टाइल है बनाने का जिसको हम लोग पाला स्टाइल से जानते हैं. और वहीं दूसरी तरफ जो जैन धर्म के लोग हैं उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो गुजरात से प्रभावित है, और इस पंथिस और मैन्युस्क्रिप्ट को कहाँ पे लिखा गया था, पाम लीफ पे. ये जो स्क्रिप्ट है बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे गए हैं, उनका जो राइटिंग है लिखा हुआ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और लिखने के बीच में उनका जो लिखावट उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी छोड़ा गया है. जो मंदिर का जो कला है वो डेवलप किया गया है भारत के किसी किसी पार्ट्स में इस पीरियड में,
और इन सब के बीच जो मार्बल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है दिलवाला, जो कि माउंट आबू में है, उसका जो टेम्पल वो टेराकोटा से सजाया गया है, और वो बंगाल और उड़ीसा में भी देखा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है वो। राजपूत पेंटिंग्स और जो मुगल पेंटिंग्स है वो 16th सेंचुरी में उनका स्टार्टिंग हुआ, उसका नया दौर था। जो राजपूत पेंटिंग्स था वो किसका कॉम्बिनेशन था, फॉक पेंटिंग्स और अजंता पेंटिंग्स का, जबकि जो मुगल पेंटिंग्स था वो पर्सियन और राजपूत पेंटिंग का कॉम्बिनेशन था। और 18th सेंचुरी के बाद जो इंडियन का जो आर्ट से उसका पतन होना शुरू हो गया था। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, हियर इज द पिक्चर ऑफ श्रृंगार। यहाँ पे कुछ स्त्रियां हैं जिनका पिक्चर दिया हुआ है, वो यहाँ पे श्रृंगार कर रही हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, द टॉपिक इज श्रृंगार, टाइटल श्रृंगार स्टाइल ड्यूलर स्कूल, पीरियड 18th सेंचुरी AD, एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज अननोन, मीडियम टेम्परा। सो लेट्स बिगिन टू स्टडी दिस टॉपिक। Guler was a small state near Kangra Valley and one of the most important centers of the Pahari school of paintings. This style flourished between 1450 AD to 1780 AD. Under the different rulers of this kingdom, Guler miniature went through different stages of development under the influence of folk art to Mughal miniature style. The Guler painting reached its maturity in the 18th century AD. According to some scholars, the Pahari school had its origin in Guler, which influenced many other Pahari schools like Kangra. Guler paintings are characterized by genuine romanticism of the myth of Krishna and Radha, which is still a living symbol of divine love. Stories of Ramayana and Mahabharata were also used as the themes of Guler paintings, along with royal portraits and court scenes. The painting Shringar is a typical Rajput painting with such a theme. ये जो गुलर है वो कांगड़ा वैली के पास में एक छोटा सा राज्य है, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर है वो इस पेंटिंग का, वो है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसका जो स्टाइल है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1450 AD और 1780 AD के मध्य में। और इस स्कूल के अंतर्गत जो डिफरेंट रूलर्स है किंगडम के, उनके पेंटिंग्स को बनाया गया। जो गुलर मिनिएचर पेंटिंग है वो अलग अलग स्टेजेस को इसमें उसके डेवलपमेंट को यहाँ पे शो करता है, जैसे कि फॉग आर्ट हो गया या फिर मुगल मिनिएचर स्टाइल में बनाया गया। जो गुलर पेंटिंग है वो अपने मैच्योरिटी पे 18th सेंचुरी AD में पहुंचा, और कुछ विद्वानों के अनुसार जो पहाड़ी स्कूल है उसका जो ऑरिजिन है वो गुलर से हुआ था। और ये जो पेंटिंग है वो पहाड़ी स्कूल जैसे कि दूसरे पहाड़ी स्कूल से, जैसे एक दूसरा है कांगड़ा, उससे भी उसको प्रेरणा मिला। जो गुलर पेंटिंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं कि जो राधा कृष्ण है उनके प्रेम प्रसंग से इस पेंटिंग को बनाया गया है, जो कि एक अभी भी दिव्य प्रेम का एक चिन्ह है। वो जो रामायण या फिर जो महाभारत काल में गुलर पेंटिंग्स के थीम पे जो भी पेंटिंग्स बनाया गया, या फिर उसमें कोर्ट के सीन को दिखाया गया या फिर रॉयल पोर्ट्रेट्स को दिखाया गया, ये जो पेंटिंग है श्रृंगार वो एक टिपिकल राजपूत पेंटिंग है। अ ब्राइड इज बीइंग अडॉर्न्ड फॉर हर वेडिंग, द फिगर्स आर प्लेस्ड इन परफेक्ट harmony and balance against an architectural setting. A maid is preparing sandals placed in the foreground. Another woman is tying an anklet on the foot of the bride. There are two standing figures. One is holding a mirror and other is making a garland of flowers. A lady is busy in combining the bride's hair with an assistant. An elderly woman is supervising the whole procedure. The painter's mastery in infusing the essence of shyness and elegance in the posture of the brides is noteworthy. The exquisite faces, graceful attitudes and soft harmony of colors are characterized of Guler school. तो इस पूरे पेंटिंग्स में बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे कि इस पेंटिंग का सीन क्या है कि जो एक दुल्हन है वो अपने शादी के लिए तैयार हो रही है। इस फिगर में जो हारमोनी को अच्छे से बैलेंस किया गया, उनकी खुशियों को दिखाया गया कि कैसे एक जो आर्किटेक्चरल सेटिंग किया गया है। इसमें जो एक दासी है वो चंदन के पेस्ट को जमीन पे बैठ कर तैयार कर रही है, और जो दूसरी औरत है वो दुल्हन के पैर में पायल बांध रही है, और दो औरतें खड़ी हैं साइड में, एक शीशा लेकर खड़ी है और दूसरी
दुल्हन के लिए माला बना रही है, और एक जो लेडी है वो दुल्हन के हेयर स्टाइल को ठीक कर रही है अपने एक असिस्टेंट के साथ, और इन सब का सुपरविजन कौन कर रहा है, एक ओल्ड लेडी कर रही है। सारे जो भी चीजें हो रही है उनको देखभाल एक सुपरवाइज जो कर रही है वो एक एल्डरली वुमेन कर रही है, और ये जो पेंटर से उनका जो मास्टरी है वो हम लोग कैसे देखते हैं कि जो दुल्हन है उसके चेहरे पे पूरी तरह से शर्म है, उनके चेहरे पे लजाती हुई दुल्हन का फोटो है, साथ में ही जो उनका पोस्चर है, जो ब्राइड का बैठने का तरीका जो है वो भी नोट करने योग्य है, उनका जो फेस है वो शर्म से थोड़ा लाल हो रहा है, उनका जो एटीट्यूड है वो भी ग्रेसफुल है, हारमोनी सॉफ्ट है, और उनका जो कलर का कॉम्बिनेशन है कलरफुल पेंटिंग्स का वो भी बिल्कुल हाई लेवल का और यूनिक है। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन 3.1 बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।